सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और स्किन रूखी तथा बेजान होने लगती है, उसमें ड्राइनेस बढ़ने लगती है और रिंकल्स और टैनिंग आने लगती है जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। और इसी चीज़ का हल करने के लिए हम बाज़ार से महंगे महंगे बॉडी लोशंस, मॉइस्चराइजर्स और क्रीमें खरीदते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम एलोपी पर। और इससे संबंधित स्किन की इन सभी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड मॉइस्चराइजर की विधि, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम दाम में ये आसानी से बन सकता है और रिजल्ट्स 2 दिन में स्वयं देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है गुलाब जल, जो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। नींबू का रस, ये भी हमारे घर में अवेलेबल होता है। और इसके अलावा हमें चाहिए ग्लिसरीन, जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और इस मॉइस्चराइज़र को बनाने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलता है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन, 1 टेबल स्पून नींबू का रस। जो ग्लिसरीन है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और हमारे कलर को साफ बनाने में हेल्प करती है। जो नींबू है ये टैनिंग को दूर करता है और रंग को साफ बनाता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे डबल प्रोपोर्शन में गुलाब जल, यानी कि 2 टेबल स्पून गुलाब जल। गुलाब जल है ये भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसे इस तरह चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, तैयार है हमारा होममेड मॉइस्चराइज़र। इसे आप जब मर्जी यूज़ करें, चाहे रात को सोते समय, नहाने के बाद, या जब भी आपको ड्राइनेस फील हो। अब इसे आप एक साफ बॉटल में भरकर रख लें और अप्लाई करें। इसके रिजल्ट्स आपको 2 ही दिन में साफ नज़र आने लगेंगे और आप कहेंगे, वाह क्या बात है, हमारी स्किन तो गुलाब जैसी खिल गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।